हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी भी वेल इनफ बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत खास, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए जो NIOS की तरफ से वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट आई है, जिसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी तीनों के लिए ही रिक्रूटमेंट रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसके ऊपर ही कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो अगर आप भी इसको लेकर सीरियस हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना फ्रेंड्स। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आपको बताया है कि NIOS की तरफ से वेरियस पोस्ट की रिक्रूटमेंट आई है ग्रुप ए, बी एंड सी के लिए। सबसे पहले समझ लेते हैं NIOS होता क्या है। NIOS का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो इसकी तरफ से आपकी वैकेंसी ऑलरेडी फॉर्म स्टार्टेड है। अप्लाई डेट की अगर बात करें 30 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, 21 दिसंबर तक लास्ट डेट है। तो आपको 21 दिसंबर का वेट नहीं करना है। जैसे ही आपको पता है 30 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, आप इंटरेस्टेड हो फॉर्म अप्लाई कर दो। चलिए आप देख लेते हैं कि ग्रुप ए, बी एंड सी के लिए क्या क्या फॉर्म की फी रखी गई है। ग्रुप ए की पोस्ट के लिए जनरल ओबीसी से लिया जाएगा 1500 रुपया और SC ST EWS से 750 रुपया। ग्रुप बी एंड सी की पोस्ट के लिए जनरल ओबीसी से लिया जाएगा 1200 एंड EWS से 600 और SC ST से 500 रुपया यहाँ पर फी लिया जाएगा। एज की लिमिट की अगर बात करें तो आपका एज जो है कैलकुलेट होता है एज ऑन 21 दिसंबर 2023, मतलब फॉर्म की जो लास्ट डेट है ना उसके अकॉर्डिंग आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। मिनिमम एज नॉट अवेलेबल, नॉट मेंशन। और मैक्सिमम एज की बात करें तो 27 से 50 साल है, पोस्ट वाइज आपका वैरी करता है। रिलैक्सेशन मिलता है 3 ईयर्स का और SC ST को मिलेगा 5 ईयर्स के लिए, ये OBC के लिए मैंने बताया था। और फ्रेंड्स, जैसा कि इसमें बहुत सारे पोस्ट है ग्रुप ए बी की, मतलब बहुत ज़्यादा ही हायर एजुकेशन है, ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस वगैरह की डिमांड है। हम लोग जो बात करने वाले हैं ना ग्रुप सी की पोस्ट के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे, जिसमें कि जो कम क्वालिफिकेशन जैसे कि 8th पास आउट से लेकर 12th पास आउट तक बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको उन सभी पोस्ट के लिए बताने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि हम लोग किन पोस्ट के ऊपर बात करेंगे। MTS, जूनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर। MTS की पोस्ट के लिए 11 सीट है, क्वालिफिकेशन 8th पास आउट, मैक्सिमम एज 27 ईयर्स। जूनियर असिस्टेंट के लिए 10 सीट आया है, 12th पास आउट अप्लाई करेंगे, मैक्सिमम एज 27 ईयर्स। असिस्टेंट के लिए 4 सीट, 12th पास आउट अप्लाई करेंगे, मैक्सिमम एज 27। स्टेनो के लिए 3 सीट है आपको और सेम ही आपका 12th पास आउट और मैक्सिमम एज 27 साल रहेगा। अदर पोस्ट जैसा कि आपको पता है ग्रुप ए और ग्रुप बी का मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा ही उसके रिक्वायरमेंट वगैरह है, हायर एजुकेशन चाहिए। तो आप चाहो तो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, अपना जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रहेगा ना मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगी। अब रही बात की जो ग्रुप सी की हम लोग बात करेंगे तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन बहुत ही सिंपल है। MTS की पोस्ट के लिए सिर्फ होगा रिटन एग्जाम, बाकी तीनों पोस्ट के लिए रिटन एग्जाम प्लस स्किल टेस्ट। मतलब कि आपको जैसे स्टेनो है तो यहाँ पर स्टेनोग्राफर के लिए स्टेनो का स्किल टेस्ट होगा, ये दोनों के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होगा जूनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट के लिए। तो वो सब आप देख लेना, नोटिफिकेशन में डालूंगी, उसको डाउनलोड करना और थॉरो आउट रीड करना आप। चलिए फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो रिटन एग्जाम होगा उसका क्या पैटर्न होगा। दो टाइप के यहाँ पर आपने पोस्ट देखे हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि MTS का जो एग्जाम पैटर्न होगा फ्रेंड्स, उसमें आपको 180 क्वेश्चन रहेगा 180 मार्क्स के लिए, 180 प्रश्न 180 नंबर के लिए, समय 3 घंटा का पर क्वेश्चन, इसका मतलब 1 मार्क्स आपको मिलेगा। GK से रहेगा 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, मैथ्स के 30 क्वेश्चन, इंग्लिश या हिंदी दोनों में से आप जो सब्जेक्ट चूज करोगे उसके 30 क्वेश्चंस, डिजिटल लिटरेसी कंप्यूटर से रिलेटेड 20 क्वेश्चन रहेगा।
उसके बाद फ्रेंड्स बता दूं आपको कि जूनियर असिस्टेंट का क्या एग्जाम पैटर्न होगा। इसमें भी 180 क्वेश्चन, 180 मार्क्स के लिए टाइम 3 आवर्स का रहेगा। इसमें सब्जेक्ट वाइज देखें तो आपका फर्स्ट है जनरल नॉलेज, इसके 40 क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, मैथ के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश या हिंदी मतलब दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट का 20 क्वेश्चन, आईसीटी अवेयरनेस से 20 क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए आई होप कि आप समझ गए होंगे कि एग्जाम की पैटर्न क्या होने वाली है। तो इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करो, प्रीवियस ईयर आप खोजो कि क्वेश्चन सेट सब क्या था, प्रीवियस ईयर में कैसा पूछा गया था, मॉडल पेपर वगैरह आप बनाओ। उससे होगा कि आपकी तैयारी की स्पीड को एक अच्छी खासी बूस्ट मिल जाएगी। आप कहाँ पे चूक रहे हो, कहाँ पे आपको सुधार करने की जरूरत है, आगे आप कैसे अच्छा करोगे, मार्क्स कैसे बढ़ेगा, इस पे आप वर्कआउट जरूर करना। फिलहाल चलो मैं आपको बता देती हूँ कि पोस्ट वाइज जब आप ज्वाइनिंग करोगे स्किल टेस्ट के बाद तो आपको सैलरी क्या दी जाएगी। सैलरी की बात करें तो असिस्टेंट को मिलता है स्टार्टिंग में 25,500 पर ईयर की, इंक्रीमेंट के बाद उनकी सैलरी 81,100 रुपीस पर मंथ की हो जाती है। स्टेनोग्राफर को स्टार्टिंग में वही 25,500, आफ्टर इंक्रीमेंट 81,100 रुपीस की सैलरी। जूनियर असिस्टेंट को मिलता है स्टार्टिंग में 19,900 एंड आफ्टर पर्स अलाउंसेस 63,200 रुपीस। MTS की पोस्ट के लिए 18,000 आपको स्टार्टिंग में सैलरी दी जाती है, आफ्टर इंक्रीमेंट 56,900 रुपीस आपकी सैलरी रहेगी। सो आई होप कि मैंने जो भी डिटेल आपको बताए हैं NIOS वेरियस पोस्ट की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आप उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछो। अदरवाइज इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी। तो मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम सबका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर लेना। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इससे आपको कुछ भी थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो, आपके लिए समझ में आया हो, तो एक लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुँच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।